नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके लिए एक समान हैं, फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुमको इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, इस समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान तथा अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। जब उधर शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं, यदि इनसे वेद छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से वेद चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, लेकिन उसे न तो वेद मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु जी की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देख बहुत ही प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य वरदान प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में ही विश्राम करूँगा। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सभी देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आ जाओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपर्युक्त नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, इसकी महिमा का वर्णन करने का साहस किसी में नहीं है। अनंत से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि जी के चरण कमलों में हमें स्थान प्राप्त होता है, जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है। आइए हम सभी लोग विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का श्रवण करते हैं।
श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः सर्वभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनमं पुनरेवाभ्यभासत। श्री युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वापेकं परायणम् अस्तु अन्तःकं कमर्चन्तः प्राप्नुयुः मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। श्री भीष्म उवाच जगत् प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् अस्तु अन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चन् नित्यं भक्त्या पुरुषमभ्यम् ध्यायन् अस्तु अन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। अनादि निधनं विष्णुं सर्वलोक महेश्वरं लोकाध्यक्षं अस्तु अन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूत भवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षम् अस्तवैरर्चेन्नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि उगागमे यस्मिन् प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋष्भिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी छेतज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवः अस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभुः प्रभुरीश्वरः स्वयं भूः शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधुनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा अस्थविष्ठः अस्थविरोधुरः अग्राह शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूत श्री ककुब्धाम पवित्रं मंगलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्ममान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजा भवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धि सर्वराधिरुच्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिःसृतः वसु वसुम्नाः सत्य समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा विषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिस्रवाः अमृतः शाश्वतः अस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदविद्कविः लोकाध्यक्षः शूलाध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहस्य चतुर्दण्डस्य चतुर्भुजः भ्राजश्रुर्भोजनं भोक्ता सहिश्रुर्जगदादिजः अनुभो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमोऽयम् वेदो वैद्यः सदा योगी वीरः माधो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महादुतिः अनिर्देश वपुः श्रीमान् मे आत्मा महाधृधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षडः शास्ता वृषुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषः सृग्भिः वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो रिवित्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अह संवर्तको वहिन्रनिलो धरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत्शुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः
वृषाही वृषभो विष्णुर्विश्वरवा विशोदर वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागर सुभजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैक रूपो बृहद रूप शिपिविष्टः प्रकाशन ओजस तेजो दुतिधर प्रकाशात्मा प्रतापन रिद्ध अस्पष्टाक्षरो मंत्र चंद्रांशुर भास्कर दुति अमृतांशुद्भव भानु शशबिंदु सुरेश्वर औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावनो नल काम काम कृत कांत काम काम प्रद प्रभु युगादि कृत युगावर्तो नैक मायो महाशन अदृश्यो व्यक्त रूपस्य सहस्रजित नंदजित इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुषो वृष क्रोधा क्रोध कृत कर्ता विश्व बाहुर्महीधर अच्युत प्रथित प्राण प्राण दो वासवानुज अपाम निधिष्ठान मा प्रमत्त प्रतिष्ठित अस्कंद अस्कंधरो धुर्यो वर्दो वायु वाहन वासुदेवो बृहद भानुरादि देव पुरंदर अशोक स्तारण अस्तार शूर सौरजनेश्वर अनुकूल शतावर्त पद्मी पद्म निभेक्षण पद्मनाभो रविंदाक्ष पद्म गर्भ शरीर भृत महिर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गर्वध्वज अतुल शर्भो भीम सम्यग्यो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समृतिंजय इक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर सह महीधरो महाभागो वेगवान मिताशन उद्भव शोभड़ो देव श्री गर्भ परमेश्वर कर्णम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुव परिधि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो वीरजो मार्गो नयो नयो नय वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षज ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठी परिग्रह उग्रह संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण विस्तार अस्थावर अस्थाणु प्रमाणम बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विन्न अस्थविष्ठोर भूर्धर्म युगो महामख नक्षत्र नेमिर नक्षत्री क्षम क्षाम समीहन यज्ञ इज्जो महेजश्च क्रतु सत्रम सताम गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानम उत्तमम सुब्रत सुखम सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहित मनोहरो जित क्रोधो वीर बाहुर विदारण स्वापन स्वशो व्यापी नैक आत्मा नैक कर्म कृत वत्सरो वत्सरो वत्सी रत्म गर्भो धनेश्वर धर्म गुप्त धर्म कृत धर्मी सत्सतक्षरम अक्षरम अभिज्ञाता सहस्रांशुर विधाता कृत लक्षण गभस्ति नेमि सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर आदिदेव महादेव देवेशो देवभृत गुरु उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञान गम्य पुरातन शरीर भूत भृत भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिण सोमपो मृतप सोम पुरजित पुर सत्तम विनियोजय सत्य संधो दाशारह सात्वताम पति जीवो विनयता साक्षी मुकुंदो मित विक्रम अम्भो निधिर्नन्दात्मा महोदधीशयोन्तक अजो महारह स्वाभाव्योजिता मित्र प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्म त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद श्री दशाध्यक्षो महाश्रृंग कृतांत कृत महावराहो गोविंद सुषेण कनकांगदि गुहो गभीरो गहनो गुप्त शक्र गदाधर वेदाह स्वांगोजित कृष्णो दृढ़ संकर्षणोचित वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना भगवान भगानंदी वन माली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सत्तम सुधन्वा खंड पर सुरदारुड़ो द्रविड़ प्रद दिविस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिज त्रिसामा सामग सामह निर्वाणम भेषजम भिषक् सन्यास्कृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांग शांतिद स्रष्टा कुमुद कुबलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृष प्रिय अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेपता क्षेम कृच्छव श्रीवत्स वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमाल्लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चन संशय उदीर्ण सर्वतश्चक्षुर्निश शाश्वति स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिस्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रदुम्नो मित विक्रम कालनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरि कामदेव कामपाल कामी कांत कृतागम अनिर्देश वपुर विष्णुर्वीरोनन्तो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्म 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 विवर्धन ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेज महोरग महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि अस्तव्य अस्तव प्रिय अस्तोत्रम अस्तुति स्तोतारण प्रिय पूर्ण पूरीता पुण्य पुण्य कीर्तिरनामय मनोज वस्तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रद वस्प्रदो वासुदेव वसुर्वसुमना हवि सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायण शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुन भूतावासो वासुदेव सर्वासुन लेओ नल
दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरो था पराजितः। विश्वमूर्तिर महामूर्तिर दीप्तमूर्तिर मूर्तिमान अनेक मूर्तिर अव्यक्त शत मूर्ति सताननः। एको नैकः सवः कः किम यतत् पद्मनुत्तमम्। लोकबन्धुर लोकनाथो माधव भक्तवत्सलः। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश चंद्रांगदि। वीरहा विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः। अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोकधिक। सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर। तेजो वृषो दुतिधर सर्वशस्त्र पीतांबर। प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक श्रृंगो गदागज। चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहुश्च चतुर्गति। चतुरात्मा चतुर्भावश्च चतुर्वेद विदेकपात। समावर्तो निवित्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः। दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा। शुभांगो लोकसारंग सुतंतु अस्तंतु वर्धन। इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम। उद्भव सुंदर सुंदोरत्नाभ सुलोचन। अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविज्जयी। सुवर्ण बिंदुर्क्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वर। महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि। कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः। अमृताशो मृतबभूः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः। सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः। न्यग्रोधो दुम्बरो अश्वत्थश्चाणूरान्ध्र निषूदनः। सहस्रार्ची सप्तजिह्वः सप्तधा सप्तवाहनः। अमूर्तिर्नभो चिन्तयो भयकृद् भयनाशनः। अरुण बृहत् कृशः स्थूलो गुणभिन्निर्गुणो महान्। अधृतः स्वधृतः स्वास्थ्यः प्रागवंशो वंशवर्धनः। भारभृत् कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः। आश्रम श्रवण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन। धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमितादम। अपराजित सर्वसहो नियंता नियमो यम। सत्वान सात्विक सत्य सत्य धर्म परायण। अभिप्राय प्रियारहोर प्रियकृत प्रीति वर्धन। विहाय सगतिर ज्योति सुरचिर हुत भुग विभु। रविर विलोचन सूर्य सविता रविलोचन। अनंतो हुत भुग भोक्ता सुखदो नैक जोग्रज। अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठान मद्भुत। सनात सनातन तम कपिल कबीरप्य। स्वस्ति दह स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भूख स्वस्ति दक्षिण। अरौद्र कुंडली चक्री विक्रमयुर्ज शासन। शब्दातिग शब्द सह शिश्री सर्वरी कर। अक्रूर पेशरो दक्षो दक्षिण क्षमिणाम्बर। विद्वत्तमो वीत भय पुण्य श्रवण कीर्तन। उत्तारणो दुष्कृति पुण्यो दुःस्वप्न नाशन। वीरह रक्षण संतो जीवन पर्यवस्थित। अनंत रूपो अनंत श्रीर्जित मन्युर्भयापह। चतुरस्त्रो गभीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिश। अनादिर भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद। जननो जन जन्मादिर भीमो भीम पराक्रम। आधार निलियो धाता पुष्पहास प्रजागर। ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणद प्रणव पण। प्रमाणम प्राण निलय प्राणभृत प्राण जीवन। तत्व तत्व विदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग। भूर्भुव स्वस्थ रुस्तार सविता प्रपितामह। यज्ञो यज्ञ पतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञ वाहन। यज्ञ भृद यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भुग यज्ञ साधन। यज्ञांत कृत यज्ञ गुहन मन मन्नाद एव च। आत्मयोनि स्वयं जातो वैखान सामगायन। देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिश पापनाशन। शंखभृन नंदकी चक्री सारंग धन्वा गदाधर। प्रथांग पाणिर्क्षोभ्य सर्व प्रहणायुध सर्व प्रहणायुध। ओम नमः इति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः। नाम्नाम सहस्रम दिव्यानाम शेषेण प्रकीर्तितम्। य इदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत्। नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमूत्रेह च मानव। वेदांतगो ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यो धन समृद्ध स्यात् शूद्र सुखमाप्नुयात्। धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममथार्थी चार्थमाप्नुयात्। कामान वाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम्। भक्तिमान्य सतोत्थाय सुजिस्त तद्गत मानसः। सहस्रम वासुदेवस्य नाम्नामे तत्प्रकीर्तियेत्। यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च। अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति अनुत्तमम्। न भयं कुजदाप्नोति वीर्यं तेजस्य विन्दति। भवत्य रोगो दुतिमान बल रूप गुणान्वित। रोगार्तो मुच्चेत रोगाद् बद्धो मुच्चेत बंधनात्। भयान मुच्चेत भीतस्तु मुच्चेतापन आपद। दुर्गान्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम्। अस्तु अन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः। वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः। सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्। न वासुदेव भक्तानां शुभं विद्यते क्वचित्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते। इमं अस्तवं धीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः। युज्येतात्म सुख शांति श्रीधीति स्मृति कीर्तिभिः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभां मति। भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। दवस चंद्रार्क क्षत्राखं दिशो भूर्महोदधि। वासुदेवस्य वीरेण विधीतानि महात्मनः। ससुरासुर गंधर्वं सयोक्षोर्गराक्षसं। जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्। इंद्रियाणि मनो बुद्धि सत्वं तेजो बलं धृति। वासुदेवात्मकान्याहु क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च। सर्वगमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते। आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः।
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमं चेदं जग नारायण उद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादि कर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विश्वर्महद्भूतं पृथक् भूतानि अनेकशः त्रिलोकान्य व्याप्य भूतात्मा भुंगते विश्वभुगव्य इमं अस्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद इच्छेत पुरुष श्रेय प्राप्त सुखानि च विश्वेश्वर मजम देवम जगतः प्रभुवाप्यम भजन्ति ये पुष्कराक्षम न ते यान्ति पराभवम् ओम तत्सदिति श्री महाभारते शतसहस्त्रायां संहितायां वैशाख्यामानुशासनिके पर्वणि भीष्म युधिष्ठिर संवादे श्री विष्णोर्दिव्य सहस्त्र नाम स्तोत्रम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत।